हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लेक्चर 8 ऑफ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे पहले हम 7 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, शुरू वाले लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था, फिर हम थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम करेंगे द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल है तो हमारे उसमें क्या होंगे, हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे हमारे, जैसे फ्रेंडली हमारे क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होंगे। तो तीनों की कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा x1 y1 और ये क्या है x2 y2 और क्या है x3 y3। 3 पॉइंट्स होंगे जैसे इसमें लिखा है। तो हमारा ये क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे हमारे ये पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तीन हमारे ये पॉइंट्स हैं। तो भी देखिए इसका एरिया हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमारा सिंपल था, सिर्फ 1D में था, लेकिन हमारी ये क्या होती है 2D में। इसकी कुछ ना कुछ जैसे मान लो उसमें सिर्फ एक लाइनिंग का था इसमें, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, इसका ही एरिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें इसका एरिया फाइंड। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे हमने जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए थे पॉइंट्स हमारे, इनकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। देखो इसको यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल मिला लेंगे और इसको यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल मिला लेंगे। ऐसे ही यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो देखो बच्चों ये पॉइंट क्या हमारा x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी x2। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा y2 है यहाँ पे x2 y2, तो ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी y2। देखो इस पॉइंट से ये हमारे मैसेज निकालते थे हमारे कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ही हम x1 y1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, यहाँ से जो ऊपर वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक तो होगी हमारी y1। ठीक है, और x एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट क्या हमारा x1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी x1। ठीक है, ऐसे तीसरे पॉइंट में क्या होगी, हम इसको यहां से मिलाएंगे फॉर एग्जांपल, तो इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारी क्या है x3 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का x3 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी y3। ठीक है, हमें ये सारी डिस्टेंस निकाल ली, इट मींस हमें पता लग जाए। देखो अब हमारे पास देखिए बच्चों मतलब इसमें कितने एरिया बन रहे, आप ध्यान से सोचिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सीधी लाइन है और ये भी हमारे पास क्या एक सीधी लाइन है। तो मैं एक बार एरिया लिख रहा हूं बच्चों आपको, एरिया क्या होंगे हमारे, तो एरिया इसमें एक तो एरिया ए ये है, एक एरिया बी ये है, एरिया सी ये है, एरिया डी है। ठीक है, तो देखो एक एरिया तो छोटी सी ट्राइंगल है ये वाला एरिया, एक एरिया एक ये ट्रायंगल है ये एरिया, एक ये क्वाड्रिलेटरल हमारी एक ये एरिया है, एक ये क्वाड्रिलेटरल हमारी ये एरिया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार पॉइंट्स देता हूं, मैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो मेरे बच्चों इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम एरिया पूरे का एरिया निकाल के ए बी सी डी पूरा एरिया निकाल के सिर्फ हम सी और डी वाला एरिया इसके अंदर से निकालेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, ए और बी का एरिया रह जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है ना एफ डी ई का। तो एफ डी ई का एरिया क्या होगा हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई बराबर है ए और प्लस में बी, ये वाला एरिया होगा ना जो ए और बी को जोड़ के होगा, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, हमें टोटल कर देंगे ना, टोटल हमारा क्या है ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी एंड माइनस ऑफ द सी प्लस डी कर देंगे, क्या होगा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। देखो एक हमारे पास ट्रेपीजियम है बी सी डी ई, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, ठीक है, ये वाले क्वाड्रिलेटरल प्लस ये वाले क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई एफ, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ, ठीक है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में से ये वाले क्वाड्रिलेटरल ऐड कर दिए एंड माइनस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल
ए सी डी एफ, माइनस होगा करेंगे ए सी डी एफ, तो हमारा कौन सा एरिया बचेगा, यही एरिया बचेगा हमारा एफ डी ई। आप इसको काउंट कर ले, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये एरिया क्या हमारा बी प्लस में डी प्लस ऑफ द ए बी सी एफ, ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ एरिया कौन सा हमारा, ए बी ई एफ, ए प्लस में सी है, माइनस ऑफ द ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, माइनस ऑफ द सी प्लस में डी, तो ये क्या बचेगा हमारा बी प्लस में डी प्लस में ए प्लस में सी माइनस सी और माइनस का डी, सी से सी कट हो जाएगा, डी से डी कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी प्लस में ए, जो कि हमारा क्या है रिक्वायर्ड एरिया है एफ डी ई, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चीज समझ ली कि हम इसके अंदर से ये एरिया जोड़ देंगे और ये नीचे वाला एरिया घटा देंगे। अब देखो इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉरिडोर बी सी डी ई, इसका एरिया देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये क्या हमारी एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसके लिए पैरेलल है बी ई के पैरेलल क्या है डी ई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता हमारा, इनमें चलो इनको सारों को इकट्ठा ही सोल्व करूंगा मैं, तो देखो इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके हिसाब से लिखेंगे, एक बटा दो वन बाई टू इंटू हाइट इंटू जो हमारा दोनों पैरेलल साइड है उनका सम होता है। देखिए हम किसका निकाल रहे हैं ए बी सी डी ई, बी सी डी ई, देखो इसके अंदर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहां से यहां तक की, देखो जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वाई थ्री है, वाई थ्री प्लस में हमारे दूसरी साइड क्या है इसकी, जो इसकी समांतर भुजा है ये, इसकी इसकी लेंथ कितनी है वाई वन, वाई थ्री प्लस में वाई, ठीक है, और दो साइडों का हमारा सम हो गया। अब बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हमारी, ठीक है, x3 थ्री यहां से यहां तक है और x1 वन यहां से यहां तक, x3 थ्री माइनस में x1, ये हमारा इसका एरिया हो गया प्लस ऑफ द एरिया ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब इसका एरिया देखो वही सेम काम, वन बाई टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी हमारी वाई टू, प्लस ऑफ द यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी हमारी वाई वन, ठीक है, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी है ये वाली है एक्स वन माइनस में एक्स टू, ठीक है, ये क्या हमारी एक्स वन माइनस में एक्स टू, और ये थी हमारी एक्स थ्री माइनस में एक्स वन, ठीक है। अभी देखिए दिस एंड माइनस ऑफ द वन बाई टू, अभी इसका एरिया देखिए, एरिया ऑफ ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, देखिए पैरेलल भुजाएं कौन सी हमारी, ये क्या है वाई टू प्लस में, दूसरी साइड कौन सी है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है हमारी वाई थ्री इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये डिस्टेंस, क्योंकि हमारी ये वाली कोऑर्डिनेटर है वाई थ्री माइनस में सॉरी एक्स थ्री माइनस में एक्स टू, इसका एरिया आ गया दिस प्लस दिस माइनस ऑफ द दिस, सारा एरिया हमारा आ चुका है। अभी देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, वन बाई टू क्या हमारा थ्रू आउट कॉमन है, ठीक है, वन बाई थ्री क्या है कॉमन है, वन बाई टू यहां से भी और यहां से भी। अब देखो बच्चों क्या चीज को मान लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्स वन को यहां से एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन चाहे मल्टीप्लाई निकाल लो, हमारे जो चीज कटनी है कट जाएंगे, जो रहनी वो रह जाएंगे, बस कट हमारी सारी चीजों को सोल्व करिए, वाई थ्री एक्स थ्री, एक्स थ्री वाई थ्री माइनस साइन एक्स वन वाई थ्री, एक्स वन वाई थ्री, वाई थ्री की इससे भी कर दी हमने, इससे भी कर दी, अब वाई वन की करो प्लस ऑफ द एक्स थ्री वाई वन, ठीक है, एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस ऑफ द एक्स वन वाई थ्री, एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स वन वाई वन, ठीक है, ये हमारी चीज आ गई प्लस ऑफ द, यहां से वन बाई टू कॉमन आ चुका है, एक्स वन की वाई टू के साथ करो, पहले वाई टू की उस पूरे के साथ करो,
x1 y2 एंड y2 किसके साथ करो माइनस ऑफ द x2 y2, ठीक है, एंड प्लस ऑफ द y1 किसके पूरे के साथ करो प्लस ऑफ द x1 y1 एंड माइनस ऑफ द x2 y1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगी। यहां फिर हमारा 1 by 2 कॉमन आ चुका, अब हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्योंकि पावर माइनस का साइन है, x3 y2 अभी क्या होगा y2 की इसके साथ कर दी वापस फिर दोबारा इसके साथ माइनस ऑफ द x2 y3, और अब y3 की होगी प्लस ऑफ द x3 y3 एंड माइनस ऑफ द x2 y3, ठीक है, ये हमारी माइनस साइन कॉमन आ चुका है इसके अंदर। देखिए अभी क्या होगा, x3 y3 क्या हमारा प्लस का है, यहाँ साइन हमारा कॉमन आ चुका है तो ये हमारा क्या होगा माइनस वाला होगा, इससे ये क्या हो जाएगा कट, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा x1 y1 ये क्या हमारा माइनस का है, ये हमारा क्या है x1 y1 ये प्लस का है, इससे क्या हो जाएगा ये कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा और क्या कट होगा इसके अंदर x2 y2, देख पूछो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे देखो एक बार, हमें x y2 की किसके साथ करी थी, इन दोनों के साथ करी थी x3 y1 एंड माइनस ऑफ द x2 y2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा x2 y2। देखिए एक बार हमने y2 किस पूरे के साथ की थी, तो y2 x3 माइनस ऑफ द y2 x2, और फिर y3 किस पूरे के साथ की थी y3 x3, ठीक है, माइनस ऑफ द y3 x2, ठीक है। तो हमारे देखिए बच्चों इससे क्या आएगा हमारा, ये तो x2 y2 माइनस का है लेकिन ये माइनस वाला है, लेकिन बाहर क्या हमारा प्लस का साइन है, वापस फिर प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाले से हमारा माइनस वाला कट जाएगा x2 y2। देखिए बच्चों अभी हमारी चीजें क्या क्या बच रही है, 1 by 2 है, यहाँ पे क्या चीज है हमारी माइनस x1 y3, ठीक है। तो दोबारा x1 वाली चीज लिख लेते हैं हम, ये क्या हमारा प्लस ऑफ द x1 y2, ठीक है। तो आगे फिर हम x2 वाली चीजें लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ द x2 y1, ठीक है, और आगे हमारा x2 वाली चीज क्या है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस ऑफ द x2 y3। x1 वाली लिख ली, x2 वाली लिख ली, अब x3 वाली लिखी प्लस ऑफ द x3 y1, और आगे क्या बचेगा हमारा x3 वाली और चीज हमारी कौन सी है, ये बचेगा माइनस ऑफ द x3 y2, ठीक है। अभी देखो मुझे इसके अंदर हमारी क्या चीजें को मना रही है, 1 by 2 into इसमें और इसमें से क्या चीज को मना रही है, देखिए हमारे तो पहले टर्म गिनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारी सारी टर्म आ गई ना इसके अंदर, कुछ नहीं छूटा, बाकी हमारी कट चुके थी इसके बाद, इट मीन्स x1 यहां से कॉमन आएगा, y2 माइनस में y3 यहां से क्या चीज कॉमन आएगी प्लस ऑफ द x2, y3 माइनस में y1 ऐसी चीज आ जाएगी प्लस ऑफ द x3 y1 माइनस में y2। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल FDC, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ना उसका एरिया आ गया, जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो बच्चों ये था हमारा, हम इस एरिया को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको कैसे डेराइव करते हैं, इट मींस क्या है, हमने जो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला था, क्या था ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल ट्रेपेजियम ये होती है, डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, और ये हाइट क्या मान लो एच है, तो 1 by 2 into a + b into h, ठीक है, ये हमने इसका एरिया का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, 1 by 2 into a + b into h, h क्या है इन दोनों जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, और a और b क्या हमारी पैरेलल साइड्स हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके पहले हमने इसका एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, और इसके अंदर से जो नीचे वाला है ना उसका पूरा मैंने वापस इसके अंदर से घटा दिया, तो हमारा जो ऊपर एक ट्रायंगल है उसका एरिया हमारा रह गया, तो हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आवर ट्रायंगल। तो अभी बच्चों देखिए हम इसमें करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी,
कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोलिनियर लाइंस क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, जो पॉइंट्स हमारे हमेशा किस में हो, एक लाइन में हो, ठीक है, कोलिनियर। तो मैंने आपको बताया भी था इसमें क्या है, कि लाइन है। तो ये पॉइंट्स तो हमारे तीनों अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन बाई चांस हमारे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाए, ठीक है, एक पॉइंट ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स थ्री वाई थ्री, बाई चांस हमारे भी एक ही लाइन में हो जाते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, ये तो ये एरिया है, इसका एरिया कुछ आएगा ही नहीं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी एरिया ऑफ एबीसी विल बी जीरो इफ ए बी सी आर, मतलब इसके अंदर पॉइंट क्या हमारे एफ डी सी, इसके अंदर क्या हमारे एफ डी सी आर कोलिनियर, ठीक है बच्चों। यदि हमारे एफ डी सी पॉइंट हमारे क्या है, एक ही लाइन में है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या हो जाएगी, यदि तीनों पॉइंट से लेके हम उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे और एरिया हमारा जीरो आ जाएगा, तो इट मीन्स क्या है, तो हमारे कोलिनियर पॉइंट आ जाएंगे। चलिए बच्चों इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। अभी देखो बच्चों क्या बोल दिया इसके अंदर, हमारे क्या है ट्रायंगल दे दी ए बी सी, ठीक है, क्या दे दी ए बी सी, और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या दे दिए, दो एक, आगे का क्या दे दिया चार और तीन, ठीक है, और हमारा शीट क्या दे दिया इसने दो पांच, ठीक है, थोड़ा हमने अलग लिख दिया, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है और सी हमारा ये है, ठीक है, ये हमारे क्या दे दी ए बी सी के पॉइंट्स दे दिए। तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने किसका एरिया बताना है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है ना, हमें उसका एरिया क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कौन सा एरिया जो इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करी है, तो हमें मिड पॉइंट के फॉर्मूला का पता है क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। तो इसका पॉइंट क्या मान ले, मान ले पी क्यू आर है, ठीक है, तो हमारा आर पॉइंट क्या होगा, तो आर पॉइंट हमारा क्या होगा, पहले वाला तो टू प्लस फोर बाई टू, दूसरा क्या है वन प्लस में थ्री बाई टू, ये मिड पॉइंट का है, ठीक है। तो आर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, चार और दो छह बटे में दो तीन और चार बटे में दो दो के बराबर हो जाएगा, ये हमारा आर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे हमारा पी पॉइंट किसके बराबर आएगा, पी पॉइंट क्या हुआ हमारा, तो टू प्लस में फोर चार और दो छह, छह बटे में दो तीन और पांच और तीन आठ बटे में दो चार, ठीक है, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ऐसे हमारा क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू दो प्लस में दो चार और बटे में दो, पहला दो आ जाएगा और पांच और एक छह, छह बटे में दो तीन, ठीक है, सिक्स बाई टू कितना आ जाएगा हमारा थ्री के बराबर आ जाएगा। देखो अब हम इसको मान सकते हैं, तो इसको एक्स वन वाई वन मान लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू और ये हो जाएगा हमारा एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। तो बच्चों अभी हम इन पॉइंट्स को ये मान के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, हमारी डायरेक्ट ये फॉर्मूला है हमारा, तो वन बाई टू इंटू एक्स वन, एक्स वन क्या हमारा थ्री, वाई टू माइनस में वाई थ्री चार माइनस में तीन, प्लस ऑफ द एक्स टू, एक्स टू हमारा क्या है थ्री, अब एक्स टू के बाद वाई थ्री माइनस में वाई वन तीन माइनस में दो, प्लस ऑफ द एक्स थ्री, एक्स थ्री हमारा क्या है टू है, एक्स थ्री के बाद क्या आएगा हमारा वाई वन माइनस में वाई टू टू माइनस में फोर, दिस विल बी द एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, ये क्या होगा हमारा एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो अब इसको सॉल्व करो, वन बाई टू इंटू तीन और गुणा में एक, ठीक है, प्लस ऑफ द थ्री इंटू वन एंड प्लस ऑफ द टू इंटू माइनस टू, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू थ्री प्लस में थ्री माइनस ऑफ द फोर, तो तीन और तीन छ, छ में से चार गए दो, तो वन बाई टू इंटू टू दिस इक्वल टू वन यूनिट्स।
चुके हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा एरिया वन एंड, और आपको इस चीज के अंदर बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे जो एरिया हमारा आया ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा किस में लेनी, हमने मोड में लेनी है। किस में लेनी है, मोड में। मोड मीन्स क्या होता है, यदि हमारा एरिया यदि इसमें नेगेटिव आ जाता है ना, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वन आ जाता, तो ऑटोमेटिकली मोड से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो मोड फिर हमारा लगाओ या ना लगाओ, लेकिन बाई द वे इसके अंदर जो बाहर वैल्यू आएगी तो बाहर ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी। अंदर नेगेटिव तो भी हमारा बाहर ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा, ये खुद से नेगेटिव लग जाएगा इसके अंदर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों क्या है, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद इसने क्या दे दिया, इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो ई क्या है, डी सी का क्या है, मिड पॉइंट से ई डी सी का मिड पॉइंट, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है। जो ये वाला एरिया है ना, तो हमने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखियो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो चीजें हम उसको यूज करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों देखो हमारी जो पैरेललोग्राम है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जो उसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस क्या है हमारा, जैसे हम इस डायगोनल को मिलाएंगे और हम जो इस डायगोनल को मिलाएंगे, तो जो ये वाला पॉइंट होगा हमारा ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा डायगोनल बी डी का भी और डायगोनल AC का भी, ठीक है। तो अभी हमारा O पॉइंट क्या आएगा, O पॉइंट हमेशा आएगा इसके अंदर, O इसका मिड पॉइंट है, तो X1 प्लस में X2 9 और 6 15 15 बटे 2 और दूसरा पॉइंट आएगा हमारा 4 और 1 5 5 बटे में 2, ठीक है। मिड पॉइंट का हमेशा यही तरीका होता है कि X X वालों को जोड़ो बाई 2 और Y Y वालों को जोड़ो और बाई 2। फॉर एग्जांपल हमें क्या होगा, हमारा D के पॉइंट्स मान लिए X और Y। देखो बच्चों इसके अंदर क्या है हमारा, यदि ओ ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इसका और इसका भी तो मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो हमारे इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ओ की 15 बटे 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 बाई 2 इक्वल टू इसका जो एक्स एक्सिस वाला है ना, तो 8 प्लस में वाई बाई 2, 8 प्लस में सॉरी एक्स बाई 2, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू 55 बाई 2 और दूसरा क्या होना चाहिए हमारा, 2 प्लस में वाई बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2, क्योंकि इसका भी मिड पॉइंट है। x1 प्लस में x2 by 2 बराबर है जो हमारा O का x एक्सिस है, ऐसे ही y1 प्लस में y2 by में 2 जो हमारा O का y एक्सिस है। देखिए बच्चों इसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 में से 8 गए 7, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 3। तो हमारे d के पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे 7 एंड 3, ठीक है। 7 और y की जगह क्या हो गए, 7 और 3 x और y की जगह। अभी देखो बच्चों ये e इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। यदि e इसका मिड पॉइंट है तो e के जो पॉइंट्स है हमारे वो भी क्या होंगे, 9 और 7 16, 16 बटे में 2 आ जाएगा दूसरा, तो अगला क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 बटे में 2 आ जाएगा दूसरा, क्या आएगा 7 बाई 2। अभी हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए, अब एक बार इस ट्रायंगल को इधर निकाल लेते हैं इसके अंदर से। हमारी फॉर एग्जांपल हमारी कौन सी है, ए ई डी, ए ई डी ये ट्रायंगल हमारी, ठीक है। तो डी के पॉइंट क्या हमारे 7 3 है, ए के पॉइंट क्या है 6 और 1 है, और ई के पॉइंट क्या हमारे क्या है 16 बटे में 2 कितना है 8 और क्या है 7 बटे में 2, ठीक है बच्चों। अब इनकी वैल्यू वो हमारे आगे ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आगे तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2 और ये मान लो x3 y3। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए इसके अंदर कैसे लगेगा, ठीक है। 1 by 2 x1, x1 क्या हमारा x1 equal to 6, y2 माइनस में y3, 7 by 2 माइनस में y3 की वैल्यू क्या है प्लस होता x2, x2 की वैल्यू क्या है 8, y3 माइनस में y1, 3 माइनस में 1, ठीक है। एंड प्लस ऑफ द x3, x3 की वैल्यू क्या हमारी 7, और आगे क्या आएगा y1 माइनस में y2, y1 की वैल्यू है 1 माइनस में 7 by 2, दिस मस्ट बी क्लोज्ड। तो देखो बच्चों क्या होगा, 1 by 2 into 6 into 7 दुनी 6, तो 7 में से 6 गया
माइनस सॉरी प्लस का 1/2, ठीक है, एंड प्लस ऑफ द 8 × 2 16, प्लस ऑफ द 7 गुना में 2 − 7 तो −5/2, तो 1/2 इंटू 2 × 3 प्लस में 16 माइनस ऑफ द 7/35/2, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 × 19 और माइनस का 35/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 19 × 38, 38 में से 35 गए 3/2, दिस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो इसका एरिया हमारा क्या आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 3/4 यूनिट्स स्क्वेयर। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।